ये नया नहीं है, ये 17 साल से ये चल रहा है, ये हमने शुरू किया है। वो अकेला क्रूज नहीं है उसमें, कुछ और भी है। धर्म की नगरी बनारस से गंगा विलास क्रूज अपनी 3200 किलोमीटर की जल यात्रा पे निकल चुका है। बीते 13 जनवरी को पीएम मोदी ने इस क्रूज को बनारस के रविदास घाट से वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके की सेवाएं करने से, इस तरीके की सर्विस देने से भारतीय पर्यटन में रोजगार बढ़ेगा और भारतीय पर्यटन भी आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं जो विपक्षी नेता हैं वह यह कह रहे हैं कि ऐसे क्रूज काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। हालिया बयानों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस क्रूज पे सवाल खड़े किए हैं। पूछा, मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है उसमें, कुछ और भी है उसमें, बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें।